हम सभी जया एकादशी महात्म्य श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे भगवान, कृपा करके यह बतलाइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेतयोनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से युक्त नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये तीन प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व को एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पदंती के ऊपर अत्यंत मोहित था। ये दोनों इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। तभी ताल भंग हो जाता था तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित हो और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचिनी से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है? नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न कर इस पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात वह तिथि सब तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहां तक कि खाने के लिए फल तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपत्ति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यवान
अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वह देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित पाकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हुए थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारा पिशाचत्व दूर हुआ है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है।